अच्छा बिफोर, सर। तो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। वैसे तो सर क्लास में सब कुछ अपन को बताएंगे ही, पर सम थिंग्स मतलब जो टेक्स्ट बुक में तो कभी आने वाली नहीं है और जेई में भी नहीं आने वाली है, वो चीजें मैं बताऊंगा। तो पहले चालू करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रियल नंबर्स। तो एनी नंबर जो हम एक नंबर लाइन है उसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम रियल नंबर बोलेंगे। बट हाउ डू वी नो दिस, हम उसको जानते हैं कैसे कि लेट्स सपोज हमने स्टार्टिंग से चालू किया कि पहले नेचुरल नंबर्स आए, फिर इंटीजर्स आए, फिर फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस आए और डेसिमल्स आए। तो ये सब चीजें को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोई प्लॉट चाहिए या कोई जगह चाहिए, तो हम एक लाइन बना सकते हैं। पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि वो उस लाइन पे लाइन नहीं कर रहे थे। इरेशनल भी लाइन पे फिक्स करना बहुत हार्ड था, पर फिर हमने एक मेथड निकाली थी जो मतलब वो एक एक सेंटीमीटर की लाइन खींची, फिर 1 सेंटीमीटर ऊपर गए तो फिर जब उसका हाइपोटेन्यूस लिया तो वो √2 सेंटीमीटर आया। तो उसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हार्ड है क्योंकि वो इस लाइन पे लाई नहीं करते, तो उस वो होते कहाँ पर। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट तो हम x+i/y से करते हैं। इसको फर्स्ट फाइंड आउट किया था इस इंसान ने और वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा था, पर प्रॉब्लम क्या हुई कि उसका आंसर कॉम्प्लेक्स आ रहा था, उसका आंसर आ रहा था -√15 समथिंग। तो उसने बोला कि ये नंबर्स हमें कुछ काम के नहीं है, पर एक्चुअली बहुत काम के है, वो आगे हम देखेंगे। व्हाई इज दिस नॉट रियल, तो उसकी एक एक्सप्लेनेशन ये है कि ये नंबर्स नंबर लाइन पर लाइन नहीं करते, पर ये एक्सप्लेनेशन तो बहुत सिंपल है। तो एक दूसरी एक्सप्लेनेशन भी है कि ये नंबर्स लीनियर एलजेब्रा को डायरेक्ट फॉलो नहीं करते हैं। मतलब जैसे हम इरेशनल और रैशनल को ऐड कर सकते हैं, भले वो फिर इरेशनली बने पर वो ऐड हम कर सकते हैं, पर इन नंबर्स को ऐड करने के हमारे पास कोई डायरेक्टली रास्ता नहीं है। फिर हम आगे जाए तो वेयर डू दीज नंबर्स लाइक, तो ये जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको सबको एक लाइन पर हम बना सकते हैं, पर फिर इमेजिनरी को कहाँ डालेंगे। तो हमने एक डायमेंशन से हमारे नंबर लाइन को 2 डायमेंशनल कर दिया, तो सारे रियल नंबर्स एक लाइन पे आ गए पर सारे इमेजिनरी नंबर्स इस प्लेन के अंदर लाइक करेंगे। तो एक इमेजिनरी नंबर को प्लॉट करते हैं ऐसे, ए उसका रियल पार्ट है और बी उसका इमेजिनरी पार्ट है, और इस प्लेन को बोलते हैं आर्गन प्लेन। हाँ, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कॉन्जुगेट भी होता है, और अगर एक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई तो एक उसका जो मतलब इसके जो रूट्स अगर इमेजिनरी होंगे तो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, जो हम प्रूव कर सकते हैं कोई भी नंबर बना के। और फिर ये हमने पढ़ा था पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको। फिर मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट का जो प्रोडक्ट होता है उसको उसका मॉड्यूलस का स्क्वायर के बराबर होता है। और एक नंबर को हमें अगर एक आर्गन प्लेन पर रिप्रेजेंट करना हो तो उसका एक फॉर्मूला ये भी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a+i/b, तो उसको लिख सकते हैं हम r cos α + r iota sin α, जहाँ पे cos α और sin α उसका एंगल है x मतलब नंबर लाइन के साथ। अब इसके एप्लीकेशंस, बहुत लोग बोलेंगे कि इसके कोई एप्लीकेशंस नहीं है, क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो उसके पहले तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, तो जैसे कि हमें लैंग्वेज प्रोसेसिंग, फ्लूइड डायनामिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, वाइब्रेशनल एनालिसिस, ये सब चीज़ों में काम लगेंगे, जनरल रिलेटिविटी में भी काम लगेंगे। और एक और चीज़ है मॉर्बियस स्ट्रिप्स, अवेंजर्स एंड गेम में जब वो लोग टाइम ट्रेवल करते हैं तो टोनी स्टार्क बोलता है कि मैं एक चीज़ बना रहा हूँ जिससे वो क्वांटम टनलिंग कर रहा है। तो वो जो चीज़ होती है वो एक मॉर्बियस स्ट्रिप होती है। एक मॉर्बियस स्ट्रिप क्या होती है कि अगर एक मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर है उसको मैंने फोल्ड किया और उसके दोनों एंड्स को अटैच कर दिया, तो अगर एक पार्टिकल को मैंने यहाँ पे रखा और उसको अगर मैं मूव कराऊंगा तो
वो हमेशा उस स्ट्रिप के एक ही साइड पर रहेगा। पर मॉर्बियस स्ट्रिप में हम क्या कर सकते हैं कि उस पेपर को फोल्ड कर सकते हैं और फिर जब उसको इस पर रोटेट कराएंगे तो हाफ रोटेशन के बाद वो अंदर की तरफ चला जाएगा और ऐसे करके वो अपना प्लेन के ऊपर डायरेक्ट पोजीशन चेंज कर सकता है। फिर एसी करंट्स में इम्पीडेंस होता है जो मतलब कि उस करंट को रेजिस्ट करता है, जैसे रेजिस्टेंस होता है वैसे ही इम्पीडेंस होता है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत पड़ती है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डेरिवेटिव्स होते हैं जो हम पढ़ते ही है, और सर्कुलर मोशन में भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज करते हैं, इसीलिए हमेशा वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं क्योंकि वहाँ पे एक आई आ जाता है। फिर उसका एप्लीकेशन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मोस्ट इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ई की पावर आयोटा पाई इज इक्वल टू माइनस वन। क्वेश्चन अराइज होता है कि ई कोई भी नंबर जो पॉजिटिव उसकी पावर नेगेटिव कैसे आई, तो उसका डेरिवेशन हम देखेंगे। और टू डिफरेंट फंक्शंस है, कॉस थीटा प्लस 50 और कॉस थीटा प्लस 15 degree, तो उनको ऐड करने के लिए भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज कर सकते हैं। और एक चीज, हम जब भी एक नंबर लाइन होती है तो हम अगर 1 to infinity सारे नंबर्स लिखे तो एक इंटरेस्टिंग चीज जो कभी कभी नोटिस होती है कि सब नंबर्स के रेसिप्रोकल 0 to 1 के बीच में लाई करते हैं। पूरी नंबर लाइन हम 0 to 1 के बीच में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि 1/2 वो 1 to 2 में लाई करता है, 1/∞ जो 0 है वो भी 0 to 1 में लाई करता है, तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर एक छोटे से पार्ट में लाई कर, मतलब पूरा रियल नंबर और नंबर लाइन हम -1 to +1 के बीच में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर ये पर हमें बहुत लिमिटेशन देता है क्योंकि बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका आंसर उनके डोमेन में नहीं लाई करता, जैसे कि √-x का डोमेन अगर हमने रियल ले लिया पर उसका आंसर कॉम्प्लेक्स आएगा, पर अगर हमने उसका डोमेन कॉम्प्लेक्स ले लिया तो उसका रेंज भी कॉम्प्लेक्स ही आएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैन कंटिन्यू इटसेल्फ, जो बहुत बड़ी बात है क्योंकि नंबर लाइन में अभी तक मतलब बाकी सब चीज़ें अपने आप को कंटेन नहीं कर सकती। इमेजिनरी पावर्स ऑफ आयोटा, अगर e की पावर iq लिखा है तो हम उसको लिख सकते हैं cos q plus i sin q। इससे ही हमने डिराइव किया कि e की पावर i pi इज इक्वल टू -1 क्योंकि sin ऑफ pi इज इक्वल टू -1 और sin ऑफ pi इज इक्वल टू 0 और cos ऑफ pi -1 होता है, तो फिर इससे पता चला कि e की पावर pi इज -1। अब क्वेश्चन है कि इस आयोटा की पावर आयोटा रियल इमेजिनरी और डजंट एग्जिस्ट, तो उसकी पावर आयोटा भी एग्जिस्ट करती है और वो रियल ही है। उसका डेरिवेशन भी हम कर सकते हैं। अब पता करते हैं कि ई की पावर आयोटा पाई वो कॉस थीटा, मतलब ई की पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा क्यू होता है, तो ई की पावर एक्स को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ई के पार आई पाई को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हमने ई के पावर आई एक्स लिख दिया तो सब में आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम आई 1 + i(i)x/1 / i)x²/2, ऐसे होता हुआ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा ये वाला रिलेशन जो हम एंड में देख सकते हैं, ई के पावर आई एक्स इज इक्वल टू 1 + i(i)x - x²/2, ये वाला। तो अब इससे हमें क्या पता चला, अब cos x को हम लिख सकते हैं 1 - x²/2 + x²/4 - x(6/6) + x²/8, ऐसे कंटिन्यूस, और sin x को भी यही फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका भी डेरिवेशन है पर वो मुझे नहीं आता, वो
अब इसको चेक कैसे करें? तो अगर हम साइन एक्स का एक ग्राफ प्लॉट करें और फिर ये वाली वैल्यूज को हम जब बढ़ाते जाएंगे, मैंने एक्स के पावर 11 तक किया और एक्स के पावर 10 तक किया है, तो वो देख सकते हो कि साइन एक्स और ये वाला ग्राफ ओवरलैप हो रहा है। ये आप लोग निकाल सकते हो। आप किसी भी फंक्शन को एक पॉलिनोमियल फंक्शन अज्यूम कर लो, ठीक है ना, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब ऐसे करके अज्यूम कर लो, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है। फिर आप एक्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए वो कोएफिशिएंट निकाल लो। मान लो साइन एक्स को मैंने लिख दिया ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड गोज ऑन टिल ए एन एक्स एन, ठीक है, उसकी वैल्यू मुझे ए नॉट निकालना है, तो मैं एक्स की जगह जीरो रख दूं। साइन एक्स को लिखा गया है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड इट गोज ऑन। अब ए नॉट निकालना है तो साइन एक्स में एक्स जीरो रख दिया तो ए नॉट जीरो आ गया, इसीलिए कॉन्स्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है। फिर मुझे ए वन निकालना है तो मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देता हूँ। कॉस एक्स इज इक्वल्स टू ए वन प्लस टू ए टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर बाई ऐसा आ जाएगा ना, तो चलता हो जाएगा। फिर आप एक्स की जगह वापस से जीरो डाल दो तो कॉस एक्स कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, तो ए वन आपके पास वन आ जाएगा, तो वही वन प्रेजेंट है। फिर डिफरेंशिएट करो, तो ऐसे डिफरेंशिएट कर करके आप हर एक कोएफिशिएंट निकाल सकते हो, ठीक है ना, ऐसे ई के और बाद ये निकाल सकते हो। जो साइन एक्स की वैल्यू है उसको हम एक सीरीज भी बोलते हैं, मैकलोरियन सीरीज बोलते हैं उसको, साइन एक्स और कॉस एक्स की जो ये वैल्यूज आई है। और एक थियोरी भी है कि हर नंबर को हम प्रोडक्ट मतलब सम ऑफ साइंस और कॉस में लिख सकते हैं हर नंबर को। अब कनेक्टिंग द डॉट्स, तो हम अब e के पावर एक्स आई और हमें ये वाली वैल्यू पता है कि ये कॉस एक्स के बराबर है और ये वाली पता है कि साइन एक्स के बराबर है, तो e के पावर एक्स आई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, और ये वाली वैल्यू हमें आ गए। अब हम जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफ्स में। तो और एक नंबर सीरीज होती है जो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, वो है फिबोनाची नंबर्स। तो वो नंबर्स क्या करते हैं कि मतलब प्रीवियस वाले नंबर्स को ऐड कर करके हम आगे जाते हैं, तो फिर हमें हमें एक सीरीज पूरी मिल जाती है, 1 1 2 3 5 8 13 ऐसे करके सीरीज होती है। तो उसको अगर हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है ये ग्राफ मिलेगा। तो अगर इसको भी हम निकालना हो तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि दिस इज फॉर्मूला फाइंडिंग द टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फिबोनाची नंबर्स। तो ये गोल्डन रेशियो है पाई एंड दिस इज इसका एक्सप्लेनेशन, और एन की जगह हम जो भी वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे उस हिसाब से हमें आंसर मिलेगा, गोल्डन रेशियो 1.4146 समथिंग। हाँ, और लास्ट चीज है, वो नंबर इतना स्पेशल क्यों है, फिबोनाच मतलब गोल्डन रेशियो इतना स्पेशल क्यों है, उसका एक वेरी बहुत अच्छा रीजन है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इरेशनल नंबर है। तो अब क्वेश्चन आया कि सबसे ज्यादा इरेशनल और सबसे कम इरेशनल क्या होता है, तो उसके लिए हम एक कंडीशन डालते हैं कि अगर हमें लिखना हो पाई तो वो उसको लिखते हैं 3.14, तो 3 प्लस 0.14 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसको फ्रैक्शंस में निकालते जाए तो हमें कुछ वैल्यूज मिलती जाएगी, जैसे ये 3 प्लस 1 बाई 1 डिवाइड बाई 7 प्लस समथिंग, जो भी डेसिमल पॉइंट है उसको एक फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते जाए तो फिर एंडिंग में हमें यहाँ पे पहुँच गए हम 1 डिवाइड बाई 292। तो इसके बाद ये नंबर बहुत बड़ा हो गया, तो इसका फ्रैक्शन जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसकी अब हमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं रही ये नंबर। अब हम इस नंबर को नहीं भी निकालते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जीरो के नज़दीक जाता जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा इरेशनल नंबर कौन सा होगा कि 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, ऐसे हम करते हुए जाएंगे तो हर एक फ्रैक्शन के बाद जो नंबर है उसकी सिग्निफिकेंस नहीं जा रही है, क्योंकि हर टाइम 1 डिवाइड बाई 1 प्लस समथिंग है। तो बहुत मतलब बहुत बड़ा होगा, क्योंकि 1 को जब भी हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर ही रहता है, तो उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए तो जब भी हम 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 ऐसे करते जाते हैं तो उसकी सिग्निफिकेंस नहीं जाती। तो उसकी जब हम वैल्यू निकालते हैं तो वो इस नंबर के बराबर आती है, तो प्लस माइनस
इसलिए क्योंकि गोल्डन रेशियोस दो होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं वो दोनों। तो थैंक यू फॉर सिटिंग थ्रू दिस।